बनाया। एक दो तीन चार पांच। एक और सफर की तैयारी हो गई है, पैकिंग कर ली है, उबर ऑर्डर हो गई है, अभी बस जल्दी जाके उबर लेके एयरपोर्ट जाना है। बाकी की डिटेल्स एयरपोर्ट पहुंच के दूंगा। तो चेक इन डन, सिक्योरिटी डन, अभी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अब हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि आज का जो ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज मैं और मेरा बैकपैक इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में किसी को नहीं पता है मेरी फैमिली में कि मैं घर आ रहा हूँ। कई दिनों से मेरे को कॉल कर रहे हैं घर वाले कि कब आ रहा है कब आ रहा है। मैं पता नहीं, मुझे मेरी टिकट नहीं हुई है, ये वो। मैंने घर वालों को बताया ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ। आज फाइनली कुछ घंटों में यहाँ से निकल जाएंगे और मेरी फ़्लाइट फ्रैंकफर्ट से दिल्ली जा रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं घर सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँच रहा हूँ, सुबह 6 या 7 बजे के अराउंड। सिर्फ मेरे भाई को पता है और किसी को नहीं पता है कि मैं घर पे आ रहा हूँ। भाई को भी इसलिए बताया क्योंकि वो रिसीव करने आ रहा है, अदरवाइज उसको भी ना मैं बताता, बट उसको बताया हुआ है क्योंकि वो रिसीव करने आएगा। क्योंकि वो नहीं आएगा तो मैं कैसे जाऊँगा घर? मेरे को ही ना सरप्राइज़ मिल जाए रोड पर घूमते हुए, इधर उधर भटकते हुए। ये ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है ट्रिप। बोर्डिंग स्टार्ट, असली जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। सो वेलकम बैक गाइज। मुझे पक्का पता है मेरे से ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हो ये व्लॉग देखने के लिए, तो एंड तक देखना, ये व्लॉग गजब होने वाला है। इतनी सही एक्साइटमेंट में लुफ्तियांसा वालों ने कचरा कर दिया, कचरा एकदम रद्दी सीट्स थी, एकदम रद्दी, इतनी रद्दी सीट्स हैं, कुछ कम्फर्टेबल नहीं, पूरी रद्दी हैं। अगर कबाड़िए को भी बेचेंगे ना, वो भी नहीं लेगा इनको सीट्स, इतनी रद्दी सीट्स है। भगवान ही बचाए ये यहाँ से फ्रैंकफर्ट की जर्नी। तो मुझे लगा था ये वाली फ्रैंकफर्ट तक की जर्नी तो भाई ख़राब होने वाली है, बट अभी क्या बेस्ट चीज़ हुई है, इकोनॉमी क्लास में बिजनेस क्लास का मज़ा कैसे लिया जाता है, ऐसे लिया जाता है। अगर ये मज़े वाली बात है आप लोगों के लिए भी, अगर आप लोग कभी भी फ्लाइट में जा रहे हो तो आपको दिख रहा है पीछे की रोज जो होती है, क्योंकि यूजली क्या होता है कि कई कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होते हैं 3-4-3 या फिर 2-4-3 ऐसे होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि पीछे की सीट्स खाली हैं और बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है, तो आप सीट टाइम या रोज से पूछ लो कि हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं क्या। आप उसी टाइम जाके शिफ्ट हो जाओ और इकोनॉमिक क्लास में बिजनेस क्लास का मज़ा लो। अब तो मतलब जितने शिकवा थे लुफ्तियांसा से सारे दूर हो गए हैं। तो अभी हाफ जर्नी हो गई है कंप्लीट, फ्रैंकफर्ट पहुंच गए हैं। आज तक कभी इकोनॉमी क्लास में इतनी ज़बरदस्त नींद नहीं आई है, बट अभी देखते हैं नेक्स्ट फ्लाइट कैसी रहेगी। नेक्स्ट फ्लाइट के लिए लुफ्तियांसा ने इस बीस्ट को चुना है, A380। आई होप नेक्स्ट हाफ अच्छे से निकले जैसे पहला हाफ निकला। इतना टाइम तो पूरे ट्रिप में नहीं लगा जितना इधर कैमरे में देखने, कैमरे में स्क्रीन पे नहीं, तो इतना टाइम तो पूरी जर्नी में नहीं लगा जितना बैग में लग गया है। चलो तो जितना भी लगाओ, फिलहाल तो पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट, कुछ आवर्स और। मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, इंडो-कनेडिया करके कंपनी है जो प्रोवाइड करती है डायरेक्ट बस सर्विस है यहाँ से पंजाब के लिए, और हरियाणा होते हुए जाती है वो। तो आपका कोई भी बिजनेस स्टॉपेज हो वहाँ पर रुक सकते हो, उसकी बाकी की डिटेल्स मैं आपको बस में बैठ के दूंगा।
अभी बस की बात कर लेते हैं अच्छे से। अगर आप लोग कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहे हो, आपको पंजाब साइड जाना है, पंजाब या हरियाणा साइड, चंडीगढ़, तो ये बस सर्विस आपके लिए सबसे बेस्ट है। इंडो-कनाडा करके एक बस सर्विस है जो कि आपको डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको अपनी पंजाब या हरियाणा में कहीं भी डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचाएगी। इकोनॉमिक क्लास है जिसमें 2500 की टिकट लगती है, दूसरी स्लीपर है जिसमें 2600 की टिकट लगती है, और तीसरी बिजनेस क्लास है जिसके 3000 प्लस टिकट है। तो इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। कंफर्टेबल एकदम बस है, सीट्स में आपने देख ही ली है, पूरा फुट रेस्ट अच्छा है, कंफर्टेबल है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि प्लेन से ज़्यादा बढ़िया सीट्स इस बस की है। इसका लास्ट स्टॉप जलंधर है, हरियाणा में ये पंचकूला सोनीपत अम्बाला तीन चार जगह हैं जहाँ पर रुकती है, और पंजाब में काफ़ी जगह हैं जो रुकती है। जलंधर लाखवी स्टॉप है, अमृतसर रुकती है और राजपुरा रुकती है, यहाँ पे तीन चार ऐसे हैं, नाम बता रहा हूँ, लिस्ट मैं लिंक नीचे डाल दूँगा, आप लिंक नीचे देख सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट है, आपको जो ये बस मिलेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जब आप एग्जिट कर रहे हो 6 नंबर गेट से, तो 6 नंबर गेट से आपको पिलर 18 की तरफ आना है, 16, 17, 18 की तरफ चलते रहो, वहाँ पे ही पार्किंग है, वहाँ पे आपको ये बस सर्विस मिलेगी। टिकट आप वहाँ पे भी खरीद सकते हो, वहाँ पे 2200 रुपये की टिकट पड़ेगी, और ऑनलाइन भी करा सकते हो। अगर आपको डॉलर्स में देने हैं पैसे तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऑनलाइन करा लिया तो ज़्यादा सही है, आपको वहाँ पे जाके ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले ही वहाँ पे जो उनका काउंटर है 6 नंबर गेट के पास, बाहर नहीं है, अंदर ही है। मैंने गलती ये की कि मैं 6 नंबर गेट से बाहर आ गया, मुझे लगा कि शायद बाहर होगा उनका काउंटर। मैं जब 6 नंबर गेट से बाहर आया तो मुझे काउंटर नहीं मिला, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे दोबारा से अंदर नहीं जाने दिया। तो इसीलिए अगर आपको पहले ही कुछ जानकारी चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो 6 गेट नंबर के पास है लेकिन एयरपोर्ट के अंदर। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही जमी आसमां, ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती होने वाली मेरी माँ। पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मजारों तक जाती है, घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब माँ आती है, मुझको नजर जब माँ आती है। जन्म जन्म तू मेरी अरदास माँ, जन्म जन्म तू मेरा एहसास माँ, सच का। नमस्ते मासी जी, ठीक है, क्या बनाया?